मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो भाई लोग, मेरी इस ट्रिप की सबसे अच्छी सुबह अगर कोई है तो वो आज की है, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा है, बैक साइड देखो तो स्नो और फ्रंट साइड देखो पेंगोंग लेक। इस लेक तक पहुँचने के लिए रात में हमने लगभग 3 घंटे, क्योंकि 6 बजे दिन छिप गया था और हम 3 घंटे कंटिन्यू चलाकर 9 बजे पहुँचे पेंगोंग लेक। और यहाँ पर भी सांस फूल रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम थोड़ा एक्स्ट्रा है और सामने से सूरज मेरे चेहरे पर पड़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो भाई लोग, हम कल यहाँ तक कैसे पहुँचे, कितनी ज़बरदस्त रूट थी, जिस रूट से हम आए वो रूट अगर आपको देखना है तो आप जा करके देख सकते हैं मेरे लास्ट ब्लॉग में। और यहाँ से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पेंगोंग लेक करीब से, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो है टेरेस, यानी कि होम स्टे की छत। और यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं वो कातिल नज़ारे दिख रहे हैं एकदम। और अभी देखो नीचे की साइड दिखाता हूँ मैं आपको, अपनी बाइकों में हम पेट्रोल वगैरह फिल कर रहे हैं। इधर पेट्रोल पंप इधर है नहीं कहीं भी, तो जिस वजह से हम पेट्रोल अपनी बाइकों में फिल कर रहे हैं। हम लाए थे एक्स्ट्रा पेट्रोल और अभी देखते हैं, अगर हमें कहीं से ब्लैक में पेट्रोल मिल जाता तो ठीक है, वरना हमें 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलानी पड़ेगी अपनी बाइक। और अभी हम जाएंगे यहाँ पर और दिखाएंगे थ्री इडियट्स वाली जहाँ पर शूटिंग हुई थी वो जगह, और पेंगोंग लेक के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये ऐसा क्या है इस लेक में जो और लेक से इसको अलग बनाती है। तो भाई लोग, चलो फिर कर लेते हैं नाश्ता। क्यों अभी भी क्या खाने का आज? परोटा, आलू परोटा। इसकी आवाज मेरे को बहुत बढ़िया लगता। ये बिल्कुल जल्दी निकलता है पेंगोंग लेक। और ये है आंटी का ढाबा, मतलब जहाँ पे आंटी खाना वगैरह बनाती है, और आंटी तैयार कर रही है पराठे। ये है आंटी का कैफेट एरिया, है खाने पीने का होटल। और देखो आंटी ने फुल रेस्टोरेंट बना रखा है, यहाँ से व्यू। ये रहा सामने पेंगोंग ब्लू लेक। तो अभी चलते हैं, सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। तो चलो पहले वहाँ चलते हैं जहाँ पर थ्री इडियट्स वाला शूटिंग हुआ था, और दिखाते हैं आपको करीना कपूर का स्कूटर और आमिर खान के और जो दो हीरो थे उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन तीनों के पिछवाड़े। अब आप जी भर के एंजॉय करना इस पेंगोंग लेक का। ओह माय गॉड, इधर चल रही है फिल्मों की शूटिंग से मतलब है कि रील्स तैयार हो रही हैं। तो भाई लोग, फाइनली हम पहुंचे पेंगोंग लेक, और पीछे अपनी बाइक लगा दी हमने पार्किंग में, क्योंकि यहां से आगे आप बाइक नहीं ले जा सकते। और भाई लोग, इधर का नज़ारा ये रहा इधर, और धीरे धीरे अभी आगे बढ़ते हैं और क्लोज ले जा करके आपको दिखाएंगे पेंगोंग लेक। हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक के किनारे, और यहाँ पर इस तरह से आपने देखा होगा ऑल इज वेल पे पिछवाड़े पे हाथ घुमाता है आमिर खान अपने, ये वही हैं। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी बना के रखे हुए हैं, और इन पे अगर आप बैठ करके फ़ोटो कैप्चर कराते हो तो 50 रुपये पर पर्सन देना होगा। एंड ये है करीना कपूर का स्कूटर, जिस स्कूटर पे वो तीनों के तीनों बैठ करके गए थे, तो ये वही है। लेकिन ये भी ओरिजिनल नहीं है, इस पे भी अगर आप कपल बैठते हो और फोटो कैप्चर कराते हो तो 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, नहीं तो 1 पर्सन का 50 रुपीज़। और ये ड्रम इस तरह का यहाँ पर, और जगह जगह पर ये बनी हुई, यहाँ पर पूरी थ्री इडियट्स, पूरी तो नहीं, कुछ सीन जो कैप्चर किए गए थे वो है।
भाई लोग थ्री इडियट्स का तो सबको पता है कि थ्री इडियट्स यहाँ पर शूट हुई थी, लेकिन एक मूवी और शूट हुई थी, वो थी जब तक है जहाँ, यानी कि शाहरुख खान की, ये देखो, और उसकी ये खड़ी है रॉयल इनफील्ड, लेकिन ये भी डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है रे बाबा यहाँ कुछ भी। और जहाँ भी आप फोटो कैप्चर कराते हो बैठ करके, वहाँ आपको 50 रुपया देना पड़ेगा, चाहे किसी पे भी बैठो। ये तो वो पानीपत हरियाणा, इस पे वो दिया हुआ है मैप लगा रखा है यहाँ से, टिंग 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 टिंग, कुल्लू, केलोंग, जिस्पा, ले जम्मू कश्मीर, ऑनलाइन मिलता है ये वाला। तो चलो अब और चलते किनारे पर, पानी जहाँ पर है, व्यू तो एक नंबर आ रहा है यहाँ से सब, लेकिन अपन ना फालतू की डुप्लीकेट चीज पर हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम 50 रुपए देंगे ही नहीं, क्यों भाई? सही है, अपने को नहीं देना, ओरिजिनल होती तो हम 100 भी दे देते, हम फ्री वाला ओरिजिनल पानी देखेगा, बस फ्री वाला ओरिजिनल पानी देखेगा। इसमें थोड़ा सिप भी चल रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा सामने, ब्लू पानी आज ब्लू है, पानी 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 पानी, कम करेगा। यहाँ पर देखो लोग अपने अपने फोटोज कैप्चर करा रहे हैं, में जाएगा। तो भाई लोग जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इस झील के बारे में या इस लेक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो लेक है वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है, जो कि खारे पानी की लेक है, इकलौती ऐसी झील है जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पर ये स्थित है, और इसका जो पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, लेकिन वहीं पर नमकीन पानी यानी कि खारा पानी है। और ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, पानी तो एकदम क्लीन है, बट ब्लू कलर की जो दिख रही है वो इसलिए दिख रही है, ये देखो आप ऊपर आपको आसमान दिख रहा होगा ब्लू, तो जैसा आसमान होगा उस तरह का ये कलर चेंज करती रहती है, ऊपर से ब्लू शेड पड़ती है पानी पर, और पानी दिखता है फिर हमको ब्लू। और यहाँ पर पास में ही रेत सा है, एंड पानी तो बहुत ज़्यादा क्लीन है यार, देखो मैं एक बार जा कर के देखता है। ओहो, मैंने ये गमबूट इसीलिए ख़रीदे हैं ताकि मैं इन पानी में चल सकूँ इजीली। और भाई यहाँ से जो माउंटेंस दिखते हैं ना पार वाले, इतने ज़बरदस्त लगते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, जिसकी कोई बात ही नहीं। बस हाँ ये है कि यहाँ से ना, यहाँ आने के बाद में सुकून बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मन कर रहा है कि यहीं पर बैठे रहें और बस पानी में इस तरह से करते रहें। दिखाते हैं कैसे करते रहें, यहाँ से उठाओ पत्थर ये, और ये गया, ये उड़ाते रहो, और अब अपन लोग यहाँ से निकलते हैं साइड की ओर, उधर चलते हैं और उधर बनाते हैं कुछ रील्स वगैरह। तो देख रहे भाई साहब, एक तो हम गोरे बहुत थे, ऊपर से ये धूप पड़ पड़ करके ना नाइजीरियन से बन गए हैं, और पैंगोंग को बाय बाय करने का समय आ गया है, और अब हम अपने ड्रेसअप में आते हैं वापस और बैठते हैं अपनी धनों पर और निकलते हैं यहाँ से हानले उमलिंगला के लिए। तो अब मिलेंगे हम आपको ऑन द बाइक। तो भाई लोग बाय बाय पैंगोंग, और अब करते हैं जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश हानले हानले से उमलिंगला, देखते हैं कब तक पहुंच पाएंगे। और इस रास्ते में ना बहुत सी ऐसी जगह पड़ेंगी जो शायद आपको किसी और ने दिखाई होंगी, तो वीडियो में बने रहना। और आपको पैंगोंग लेक कैसा लगा, या मेरी जानकारी दी हुई कैसी लगी, ठीक थी या गलत बताई मैंने, जो कुछ भी था, सही है तो सही, अच्छा है तो अच्छा, गलत है तो गलत, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और भाई लोग अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाई लोग मज़ा तो पूरा आया, फुल एंजॉय किया हमने यहाँ पर, लगभग 1.5-2-3 घंटे हमने इस पर स्पेंड किए,
ये जो लेक है ना, इकलौती ऐसी लेक है, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी लेक है जो 9400 फीट पर है, जो कि खारी लेक है। मतलब लेक तो बहुत हैं, लेकिन जो खारी लेक है वो इकलौती यही है। और ये लेक दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो चीन में और दूसरी इंडिया में। आधी चीन में आती है ये, आधी इंडिया के अंदर आती है। लेकिन हाँ, एक बात है भाई कि क्लोज जाके मज़ा आ रहा हो या ना रहा हो, लेकिन रील और फोटोज में ज़बरदस्त आ रहा था। रील और फोटोज बहुत बढ़िया आई। ओ भाई साहब, इस जगह से दिख रहा है शानदार व्यू। देखो नीचे की ज़मीन तक दिखाई दे रही है, एकदम क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा है। नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, उसके आगे वो थोड़ा थोड़ा गहरा है, दिख रहा है ये सब कुछ पता चल रही है भाई। ये यहाँ का बीच है, बीच मौज लो, घूमो फिरो, नहाओ धो, मौज लो। वैसे यहाँ लाव तो कुछ है नहीं, लेकिन जैसा मैं फिल्मों में देखता ना अधिकतर, वैसा ही फील आ रहा है यहाँ देखने के बाद, एकदम किसी बीच पे हूँ जैसे। चारों तरफ रेत ही रेत है और नीला हरा पानी, ओहो गजब। भाई लोग बहुत देर से खाली मैदान में हम ना भटक रहे थे। ये देखो चारों तरफ पेंगोंग लेक के पास में ना चारों तरफ मैदान ही मैदान है, पीछे घर से हैं। अब यहाँ से कहीं को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, ये रास्ता है। अब इस रास्ते को कैसे माना जाए, क्योंकि ये रास्ता कभी तो उस रास्ते में मिल जाता है, कभी रास्ता ही नहीं दिखता, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखे ये खम्भे हैं ना, ये खम्भे लग रहे हैं, तो ये जो खम्भे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे। इस रोड के, इस खम्भे के साथ साथ जो रोड जा रही है उसी रोड को मैं आगे जाऊंगा। और भाई ये पेट्रोल है, पेट्रोल है, बार बार छलक छलक करके बिखरे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बट कोई नहीं, देखता हूं आगे ना इसे पूरी टैंक में फुल कर लेता हूं, पूरी टंकी पलट लेता हूं, देखते हैं क्या होगा फिर आगे। साहब इन लोगों को मैं बोलते बोलते थक गया, उधर से आवाज़ लगा रहा हूं, इधर इधर वहाँ पहुँच गए, वहाँ से फिर वापस आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे थे, फिर इधर को आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में। आवाज़ भी दे रहा हूं मैं सबको, हम अब आकर के इस रास्ते पे चढ़ेंगे ये, तब इधर से आएंगे। आने तो जब बात करता हूं इनसे। मैं दोनों को जहां से उस मोड़ पर से हाथ दिखा रहा हूं, मैंने देख लिया था, मैंने वहां ब्लॉग भी करा है। बबलू वहां पे लिखा हुआ है बेटू चुसुल, मैंने वही मैं कह रहा हूं, मैंने बबलू यादव को आवाज मार रहा हूं वहां से लेकर आधा सीधा सीधा उधर को भगे चले जा रहा, लेकिन ये मेरी नहीं सुन रहा बिल्कुल भी। यहाँ से देखो ये गाय बच्चे इतने से नजर आ रहे थे, तुम का नजर आओगे। हाँ जी हाँ, मतलब वहां से मैं तुझे दिख गया हाथ हिलाता हुआ, यहाँ से नहीं दिखाई दिया, देखा नहीं, मैं मचाया जा रहा हूँ। अबे तो जो तुझे रोड दिख रही चाहिए, रोड दिख रही है इधर, उधर कहाँ जा रहा है भाई, वही तो कह रहा मैंने, तो बोला मैंने बोला। और उस जगह पे ना बेटू चुसुल का बोर्ड लगा हुआ है, बेटू चुसुल हमें जहाँ जाना उस तरफ का ये रास्ता है, बोर्ड बना ये रहा, पक्की सड़क दिख रही है यहाँ से। चलो हंडले देखता फिर, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार, हो जाता है भाई साहब। गलती इनकी नहीं है, ये रास्ता ना रास्ता ही नहीं है यहाँ पे कोई, तो कंफ्यूजिंग रास्ता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि जाएगा वहाँ से। दूर से तो रोड दिख रही है, पास आने के बाद में रोड नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए सीधे सीधे जा रहे थे। यही है सीधा रास्ता, फ्री वाईफाई। तो भाई लोग इस जगह पर जब आप आ जाओगे तो एक रास्ता कटेगा चुसुल के लिए और दूसरा रास्ता जाएगा हनले के लिए। हनले एक पत्थर पे लिखा हुआ है वैसे तो, वे टू हनले टी मोरोरी, इधर ही पड़ेगा टी मोरोरी करके एक जगह, इधर ही पड़ेगी। और चुसुल हाउस होम स्टे भी इधर है, लेकिन चुसुल यूटी लद्दाख इधर की साइड, अब पता नहीं क्या है, वाइट यॉक होम स्टे, अच्छा इधर की साइड ही है, 500 मीटर डिस्टेंस। ये लंच वगैरह डिनर वगैरह लिख रखे हैं, लेकिन लोगों ने बोर्ड ना हल्ले का बोर्ड इधर लगा रखा है है ना कमाल की बात। पर चलो अच्छा हुआ मैं सीधा निकल जाता, अभी इधर से जाना है हमें। ओहो हो, और ये देखो कितनी ज़बरदस्त है यार, जब यहाँ पुल
पूरे में ग्रीनरी होती होगी तो कितना अच्छा लगता होगा। वाओ व्हाट अ लोकेशन यार। अपन लोग पहुंच चुके हैं लास्ट रेस्टोरेंट विद नाइट स्टे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ये है लास्ट रेस्टोरेंट इंडिया का। हम पहुंचे हैं यहाँ पर और बाइक लगाएंगे अंदर, पियेंगे चाय और उसके बाद देखेंगे हाँ क्या होता है।